Welcome to Al Hadi Foundation School. Dear student, Assalamu Alaikum. Welcome to Al Hadi Foundation School. Now we are going to start our work. Open your math book, book page number 6. Today we learn addition. Question: Add the following. इसमें हमारे पास 3 parts हैं A, B, C, जिनमें हम चीजों को count करके लिखेंगे. ए में है 3+4, 3 के साथ 3 स्क्वेयर्स हैं, 4 के साथ 4 स्क्वेयर्स हैं. हम इन सारे स्क्वेयर्स को काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3+4 = 7. नेक्स्ट बी 5+1, 5 के साथ 5 सर्कल्स हैं, 1 के साथ 1 सर्कल है. अब हम इन सारे सर्कल्स को काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5+1 = 6. नेक्स्ट सी 7+2, 7 के साथ 7 रोम्बस हैं, 2 के साथ 2 रोम्बस हैं. अब हम सारे रोम्बस को काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7+2 = 9. नेक्स्ट क्वेश्चन 4, यूज द नंबर लाइन टू हेल्प यू ऐड. अब हम नंबर लाइन का इस्तेमाल करेंगे इन क्वेश्चन को हल करने के लिए. क्वेश्चन ए 3+2, नंबर लाइन में हम जीरो को यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए हम जीरो को काट देते हैं. 3+2, 3 को हम मार्क करेंगे 1, 2, 3, और फिर इसमें हम 2 लाइंस को प्लस करेंगे 1, 2. अब हम इन सारी लाइंस को काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5. 3+2 = 5. नेक्स्ट बी 7+3, हमने पहले 7 को मार्क किया और फिर हम इसमें 3 लाइंस प्लस करेंगे 1, 2, 3. आंसर इज द 10. फिर हम लाइन्स को काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7+3 = 10. नेक्स्ट 4+6, 4 को हमने मार्क किया, उसमें हम 6 लाइन्स प्लस करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो आंसर हमारे पास क्या आया 10. यानी जो नंबर हमारे लास्ट डॉट पे ख़त्म होता है वही नंबर हमारा आंसर होता है. हम इन लाइन्स को काउंट करके चेक करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4+6 = 10. नेक्स्ट डी 3+3, पहले हमने 3 को मार्क किया, उसके बाद हम इसमें 3 लाइन्स प्लस करते हैं 1, 2, 3. आंसर इज द 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3+3 = 6. नेक्स्ट ई 5+4, 5 को हमने मार्क किया 4, अब हम इसमें प्लस करेंगे 1, 2, 3, 4. आंसर हमारे पास आया 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5+4 = 9. नेक्स्ट एफ 8+1, 8 और उसमें हमने 1 को प्लस करना है, एक लाइन हम इसमें प्लस कर देते हैं, तो आंसर है हमारे पास 9. 1 से लेके 8 और फिर उसमें प्लस हो गया 1, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8+1 = 9. इसी तरह नंबर लाइन को यूज़ करते हुए आपने जी एच आई जे के और एल खुद करना है, और नोटबुक आपका काम है. सब बच्चों ने नोटबुक पे 3 क्वेश्चन करने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है 3+3, क्वेश्चन नंबर 2 है 5+4, क्वेश्चन नंबर 3 है 1+4. क्वेश्चन नंबर 1 को हम हल करते हैं. पहले 3 है तो इसके साथ 3 लाइंस लगाएंगे, नीचे 3 है तो नीचे भी हम 3 लाइंस ही लगाएंगे. अब हम इन लाइंस को काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3+3 = 6. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 5+4, 5 के साथ हमने 5 लाइंस लगाई, 4 के साथ हमने 4 लाइंस लगाई. अब हम इन लाइंस को काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5+4 = 9. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 1+4, अब 1 के साथ हम 1 लाइन लगाएंगे, 4 के साथ हम 4 लाइन्स लगाएंगे. अब हम इन्हें काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5. 1+4 = 5.
ये तीनों क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक पे हल करने हैं और बुक का पेज नंबर 6 कंप्लीट करना है. लेसन ऑफ द डे कंप्लीटेड. अल्लाह हाफिज़.